आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 16 अगस्त को आंख में मिर्ची झोंककर सीएमएस कर्मी से हुई 5,28,000 रुपए की लूट की घटना का एसएसपी ने किया खुलासा। एक अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। लूट का 1,48,000 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। 2 व्यक्तियों की हत्या की साजिश का उत्तर प्रदेश एसटीएफ गोरखपुर इकाई ने पर्दाफाश करते हुए हत्या के प्रयास में आए 4 अभियुक्तों को चिलुआदाल क्षेत्र से मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में बरामद किए असलहा। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए शनिवार से शुरू हुआ मिशन शक्ति फेज 3। लखनऊ से वर्चुअल जुड़े केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति फेज प्रथम और द्वितीय में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जनपद के 75 महिलाओं को जनप्रतिनिधियों ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। 28 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति के संभावित जनपद आगमन के मद्देनजर अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई तैयारी बैठक। तैयारियों को समय से पूरा करने पर हुई चर्चा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दिए गए निर्देश। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी का उनके गृह जनपद गोरखपुर में आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पिछड़ी जाति को सम्मान देने और मंत्रिमंडल में स्थान देने के लिए व्यक्त किया आभार। जीडीए अध्यक्ष व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीडीए अवस्थापना निधि के विकास कार्यों की बैठक। शहर को चमकाने के लिए 27 करोड़ 32 लाख की लागत से 15 परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। कॉलोनियों से जल निकासी के साथ सड़कों के निर्माण पर दिया गया जोर। विभिन्न क्षेत्रों का होगा सुंदरीकरण। मिशन शक्ति तीसरे चरण के शुभारंभ पर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और स्वावलंबन को लेकर महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया कार्यक्रम। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं से कहा, किसी भी स्थिति में ले सकती हैं पुलिस की मदद। 16 अगस्त को सीएमएस कर्मचारी से हुई लूट की घटना की रेकी करने वाले एक अभियुक्त को रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 10,000 रुपए किया बरामद। एसवीसीटी ने किया खुलासा, भेजा जेल। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में तहसील सहजनवा में आयोजित हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। एसएसपी ने सुनी लोगों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। जनपद में जिला अस्पताल सहित 50 केंद्रों पर 11,303 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 595 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,708 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, शनिवार को सिर्फ सेकेंड डोज लेने वालों को ही लगेगा कोविड का टीका, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। प्रदेश महामंत्री व जनपद प्रभारी अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा की विधानसभा योजना की बैठक हुआ संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा 23 अगस्त को शुरू होने वाले बूथ विजय अभियान की सफलता की बनाई गई रणनीति। गोरखपुर में शनिवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,389। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रक्षाबंधन के अवसर पर महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने एसएसपी के कलाई पर बांधी राखी। एसएसपी ने छात्राओं को दिया आशीर्वाद, कहा, तरक्की के साथ करो देश का नाम रोशन, जनपद पुलिस है आपके साथ। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई महानगर महिला मोर्चा की संगठनात्मक बैठक। 2022 में प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनाने की बनी रणनीति। उपाध्यक्ष ने कहा, दोबारा प्रदेश में बनाएंगे भाजपा सरकार। बिना कारण बताए बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नर्स और वार्ड बॉय को निकाले जाने को लेकर कर्मियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। पुनः ड्यूटी पर वापस लिए जाने की मांग। और जनपद की तीनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रभावित हुए जिले के 76 गांव बाढ़ चौकियों को किया गया अलर्ट। एडीएम फाइनेंस ने कहा, स्थिति है सामान्य।